राधे राधे जी, नमस्कार। रीटा की रसोई में आप सबका स्वागत है। हम नई रेसिपी घर पर बनाएंगे, सिर्फ चार चीज़ों से घर पर रेसिपी बनाएंगे। हम नॉर्मली हमारे घर पर आटा होता है, आलू प्याज भी होते हैं। अगर आपके पास शिमला मिर्च भी ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, हम आलू प्याज के साथ भी नई रेसिपी बना सकते हैं। हम रेसिपी बनाना अब स्टार्ट करते हैं। अब हम आलू को कस लेंगे। हमारा आलू उबला हुआ था, हमने आलू को कस लिया है। अगर हमारे घर पे मेहमान आ जाए और बारिश का मौसम है, हम इसके लिए कुछ नई रेसिपी बनाएंगे। और इसमें हम बारीक प्याज काट लेंगे। प्याज से अच्छा टेस्ट आएगा। अगर हमारे घर पे कुछ भी नहीं होता है तो हमारे घर पे आटा और आलू प्याज तो सबके घरों में ही होता है नॉर्मली, इससे हम रेसिपी नहीं बनाएंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आधा चम्मच हम अमचूर का डालेंगे, आधा चम्मच वाइट नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च। नमक मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल लेना। और एक पिंच हम हल्दी की डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम एक आटे की लोई लेंगे, थोड़ा सा लोई से जो हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा आटा हम फालतू लेंगे। अब हम रोटी की तरह बेलेंगे। अच्छी तरह गोल गोल हमने बेल लिए। अब इस पे हम आधा चम्मच देसी घी का लगाएंगे। अब इस पे हम मसाला को रखेंगे, सारे मसाले को। मसाले को अच्छी तरह हम फैला देंगे। अब हम हाथ के साथ सारा अच्छी तरह कर देंगे। अब इसको हम रोल करेंगे धीरे धीरे हाथ से। थोड़ा दबा दबा के रोल करेंगे। अब हमारा रोल हो गया। थोड़ा सा हम इस पर सूखा आटा डाल देंगे। अब इसके हम पीस करेंगे। अब हमारे अच्छी तरह हो गए। अब इसको हम हाथ पे लेके प्रेस करेंगे। सबको ऐसे ही हम प्रेस करेंगे। इसके अंदर की हमारी सारी फीलिंग देखो अच्छी तरह दिख रही है। ऐसे प्रेस करते रहेंगे। जो ये सीखने के बाद टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी। अब इस पे हम थोड़े से तिल लगा लेंगे। तिलों को अच्छी तरह दबा देंगे हाथ के साथ। अब हम सेल्लो फ्राई करेंगे। हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, सेल्लो फ्राई करेंगे। हल्का हल्का हम ऑयल डालेंगे। घी को अच्छी तरह गर्म हो गया। अब इसमें हम सारी टिक्की को डालेंगे। ये आटे की टिक्की है, वैसे भी हेल्दी है,
मैदे से भी अच्छी टिक्की बनती है ये, आप अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। मेरे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए आपकी कैसी बनी। इसका टेस्ट मैदे की टिक्की से भी ज़बरदस्त आता है। अब हमारी अच्छी तरह एक तरफ से अच्छी तरह क्रिस्पी हो गई है, अब इसको हम पलटेंगे। देखो हमने डीप फ्राई नहीं करी, सेलो फ्राई से भी कितना अच्छा कलर आया है, क्योंकि डीप फ्राई करने के बाद ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेलो फ्राई के बाद इतना ऑयल नहीं होता। देखो कितना अच्छा कलर आया हमारा, बिल्कुल सीख के तैयार हो गई है। अब दूसरी तरफ से हमने पलटा, अब उस तरफ से भी हम सेकेंगे। अब हमारी दूसरी तरफ से भी हो गई। अब हम प्लेटिंग पे कर लिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, नमस्कार। अच्छा फ्लेवर बहुत ज़्यादा।